हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं 2017 के एक रोमांस थ्रिलर मूवी जिसका नाम है यू गेट मी। चलो शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरू होती है एक हाई स्कूल के स्टूडेंट से, उसका नाम है टाइलर, और वो हाल ही में एक खूबसूरत लड़की से प्यार कर रहा है। उसकी नाम एलिसन है और टाइलर अपनी छोटी बहन टिफनी के साथ रहता है, और उनका परिवार आर्थिक रूप से वेल सेटल्ड है। लेकिन वो जब एलिसन से मिला तब से उनका जीवन और कलरफुल हो गया है। अनफॉर्चुनेटली वो एलिसन को अपने माता पिता से मिलने के लिए कभी इनवाइट नहीं करता, क्योंकि वे घर पर बहुत कम होते हैं और काम में बहुत बिजी होते हैं। और स्कूल में उनके दो करीबी दोस्त भी हैं जिनका नाम है गिल और लिडिया है। और टाइलर बीच के पास एक कैफे में वेटर का काम भी करता है, जहां वो और उसका दोस्त अक्सर बीच पर एक साथ खेलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रात वे अपने दोस्त की पार्टी में जा रहे हैं, और वहाँ एलिसन गलती से अपने एक पुराने दोस्त से मिलती है जिसका नाम चेस है और वो सैन फ्रांसिस्को में रहता है। और एलिसन ने उसे टाइलर से मिलवाना चाहती है, लेकिन कुछ देर बाद टाइलर और चेस एक साथ बात कर रहे होते हैं। तब चेस ने खुलासा करता है कि सैन फ्रांसिस्को में एलिसन एक बुरी लड़की हुआ करती थी और वो पार्टी करना ज्यादा पसंद करती थी, और अक्सर वो दूसरे लड़कों के साथ ड्रिंक्स करती थी और सोती थी। यह सब सुनकर टाइलर तुरंत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एलिसन ने उसे अपने पास्ट के बारे में कभी बोली नहीं है, और जिससे इन दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाता है। और वो निराश होकर और एलिसन को अकेला छोड़कर पार्टी से चला जाता है। उसके बाद वो रास्ते पर चल रहा होता है, तब उनसे एक खूबसूरत और बहुत अमीर लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम होली है। वो उसे अपनी लक्ज़री कार में उनके साथ घूमने के लिए इनवाइट करती है, और टाइलर भी मानता है और उसके साथ जाता है। बाद में वो उसे बताना शुरू कर है कि उसने अपने गर्लफ्रेंड के साथ अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। तब उस लड़की ने उसे धीरे धीरे शांत करने की कोशिश करती है। अब दोनों उसके विशाल और अद्भुत घर में पार्टी करते हैं और उस रात एक साथ सोते हैं, सब कुछ करते हैं। और अगली सुबह जब टाइलर उठता है और सीधे होली के पास कुछ तस्वीरों के साथ जाता है, तब वो अपनी परिवार की कहानी बताने लगती है कि उसके पिता की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी और वो बहुत बड़ा संपत्ति भी छोड़ के गया था, और जबकि उसकी स्टेप मदर बहुत यात्रा करती रहती है और जिससे वो अक्सर इस दौरान अकेलापन महसूस करती है, और वो अभी बहुत खुश है कि वे पूरी वीकेंड को उसके घर पर एक साथ स्पेंड कर सकते हैं। वे पूरे दिन साथ में स्पेंड करते हैं, और टाइलर को उसी रात होली ने उसको सेड्यूस करती है, और दोनों पूरी वीकेंड में खूब मस्ती करते हैं और गपागप भी करते हैं। और टाइलर ने तो इस मौज मस्ती में एलिसन के बारे में सब कुछ भूल रहा है। वो दोनों संतुष्ट होने के बाद उसे पता चलता है कि उसे घर जाना है, क्योंकि उसकी छोटी बहन घर पर अकेली है। और वो होली के घर से निकलने से पहले बोलता है कि वीकेंड बेहद खास था। उसके बाद वो अपना घर जाता है, और जब वो घर जाता है तो वो अपने सेल फोन की चेक करता है और पाता है कि उसे अपने दोस्तों से बहुत सारे आए हुए हैं, और जिसमें एलिसन का भी है, और एलिसन ने उससे बात करना चाहती है और उनके बीच जो भी प्रॉब्लम्स है उसको बातचीत करके सॉल्व करना चाहती है, और इसलिए वह टाइलर से मिलना चाहती है। अगले दिन वो एलिसन के घर जाता है और एलिसन अपने हरकत के लिए माफ़ी मांगती है और बताती है कि सैन फ्रांसिस्को में रहते हुए वो वहाँ अपने ख़राब साथियों से प्रभावित थी, इसलिए उसका परिवार बेहतर जीवन जीने की उम्मीद में यहाँ रहने के लिए आए हैं। वे अंत में एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार करते हैं और एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, और वे अंत में फिर से एक साथ रहने के लिए मानते हैं, और वे एक दूसरे से कोई रहस्य न रखने का भी वादा करते हैं। लेकिन टाइलर को पिछले वीकेंड में होली के साथ सोने के लिए अपनी गलती याद है, लेकिन वो अभी भी एलिसन से सीक्रेट रख देता है। बाद में हमें दिखाया जाता है, अब स्कूल में नए सेमेस्टर में एक नया स्टूडेंट आती है, और वो कोई नहीं होली है। अब वो होली से मिलता है, और होली बताती है कि अब वो और उसकी माँ हमेशा के लिए इसी एरिया में सेटल होने के लिए शिफ्ट हो गए हैं, और वो उसे सरप्राइज करना चाहती थी कि वो टाइलर के साथ एक ही क्लास में जाती है। जब क्लास कंप्लीट होने के बाद सारे स्टूडेंट्स लंच के लिए कैफेटेरिया में इकट्ठा होता है, और अचानक होली भी आती है और उनसे जुड़ने के लिए अपना परिचय करती है। अब घबराया हुआ टाइलर तुरंत होली को बाद में लिफ्ट के पास उससे मिलने के लिए मैसेज करता है। वे अंत में स्कूल के बाद एक दूसरे को देखते हैं, और सबसे पहले होली सोचती है कि वो उसके साथ संबंध बनाना चाहता है, लेकिन जाहिर है कि वो उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता है क्योंकि यह एक गलती से हो गई थी। और अफसोस की बात है कि होली ने उसे धमकी देती है कि पिछले वीकेंड में उसने जो किया था उसके लिए उसे रिग्रेट करना पड़ेगा। और अगले दिन एलिसन और होली उस कैफे में जाने को फैसला करते हैं जहां टाइलर काम कर रहा है, और वहां होली एलिसन को एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर दिखाती है जिसका चेहरा इनविजिबल है। तब यह सब देखकर टाइलर घबराया जाता है और वो सोचता है कि होली ने एलिसन को उनके बैक स्ट्रीट रिलेशनशिप के बारे में बताएगी, लेकिन होली ने नहीं बताती है और वो अभी भी सीक्रेट रखती है।
गले सीन में होली ने एलिसन के साथ ज्यादा घूमने लगती है और दिन पर दिन उनके करीब आती जाती है और वो अक्सर एलिसन के घर में बात करनी आती रहती है। इस बीच टाइलर ने एलिसन को मैसेज में होली के साथ अपने अफेयर के बारे में कबूल करने की कोशिश करता रहता है। इस तरह होली ने एलिसन के घर में उनके साथ रहने का फैसला करती है। जब एलिसन सो रही होती है तब होली चुपके से एलिसन का कुछ सामान ले लेती है और टाइलर की एलिसन के साथ एक तस्वीर भी ले लेती है। और जैसे जैसे समय बिताती है वैसे टाइलर को संदेह होने लगता है कि होली खतरनाक हो रही है। उसके बाद एक दिन टाइलर उसके माँ कोरिन से मिलता है, तब वो जो बताती है कि होली एक मेंटल डिसऑर्डर के लिए दवा ले रही है। ऐसा लगता है कि उसे किसी भी ऐसी चीज का जुनून है जिससे वो प्यार करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिडिया को होली पर शक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि होली किसी भी तरह की सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं है। उसके अनुसार आजकल हर बंदे का सोशल मीडिया में अकाउंट होना चाहिए, लेकिन अजीब तरह से होली पास एक भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। और इस बात को होली ने अनजाने में सुन लेती है और उनके लिए खतरा महसूस करती है। अब हम देखते हैं जब सरे कैफेटेरिया में होते हैं तब होली ने जानबूझकर उनके फेवरेट जूस को टेबल पर लाती है, जिसमें से एक जूस को पाइजन डाली है और यह जूस स्पेशली लिडिया के लिए है। इस जूस को पीने के बाद लिडिया को एक बहुत गंभीर एलर्जी की हो जाती है। उसके बाद एलिसन ने उसको अस्पताल ले जाती है। तब टाइलर का अनुमान है कि उसका संदेह सच हो गया है। कुछ देर बाद टाइलर को याद आता है कि एक समय एलिसन ने टाइलर को बताती है कि होली प्रेग्नेंट है। वो शुरू में विश्वास नहीं करता था क्योंकि उनका मानना था कि एक दो बार करने से यह सब नहीं होती है। और एलिसन ने यह भी बताती है कि एक अच्छे दोस्त के रूप में एलिसन उसके मुश्किल समय में उसकी साथ देने का फैसला करती है। उसके बाद हम देखते हैं होली ने टाइलर के घर पर टिफनी के साथ खेलते हुए दिखाई देती है। तब होली उसे बताती है कि वो चाहती है कि वे दोनों एक साथ रह जाएं, लेकिन टाइलर ने जल्दी से उसे जबरदस्ती निकाल लेता है और उसे हमेशा के लिए उनकी जीवन से दूर जाने के लिए बोलता है। जब टाइलर द्वारा उसे फटकार लगाने के बाद होली ने एलिसन के घर आती है और उसे वो सब कुछ बताती है कि उनका और टाइलर के साथ पिछले वीकेंड में क्या क्या हुआ था और दोनों एक साथ सोए थे। तब पता चलता है कि साथ ही एक आदमी की फोटो जो पहले देखी गई है वो टाइलर है। और उसी रात टाइलर ने अस्पताल में लिडिया को देखने जाता है और उसे बताता है कि उसे संदेह है कि होली ने पहले लिडिया की जूस में कुछ डाला था। और यह भी बोलता है कि एलिसन को वो सब कुछ बताकर सभी समस्याओं को हल करने का भी प्रॉमिस करता है। और अगली सुबह टाइलर और एलिसन बीच पर मिलते हैं जहां वो उसके सामने सब कुछ कबूल कर लेता है। और यह सारे बातें एलिसन को होली से पता चल गया है और वो उसकी बातों को मानने को तैयार नहीं है। और वो बहुत परेशान है और कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ने को और वो कभी उससे बात नहीं करना चाहती है और टाइलर को अकेले छोड़ के चली जाती है। अब स्कूल में होली ने टाइलर को स्कूल से सस्पेंड कराने के लिए झूठ बोलती है कि उसने उसके साथ मारपीट की है और यह सुनकर टाइलर को स्कूल सस्पेंड कर देते हैं। और अब टाइलर ने होली के बारे में पता करना शुरू करता है। तब कुछ टीचर से पता चला कि होली का असली नाम एलिजाबेथ है। फिर वो उसे ऑनलाइन में ढूंढता है और तब पता चलता है कि उसने एक अन्य फीमेल स्टूडेंट के साथ हमला किया है और उसके बाद वह कुछ समय के लिए एक मेंटल अस्पताल में भी एडमिट हुई थी। अब वो जानता है कि लिडिया को पहले इंटरनेट पर होली की पहचान क्यों नहीं मिली, क्योंकि वो एक खतरनाक थी और वो सारा विषय छुपा के रखी थी और सारा झूठ बोली थी। उसके बाद रात में होली ने चुपचाप एलिसन के घर में घुस जाती है। वो एलिसन किडनैप कर देती है और फिर टाइलर को बेहोश एलिसन की फोटो भेजकर उसे अपने घर आने को कहती है। और वो एलिसन को बचाने के लिए वहां जाने की प्लान बनाता है और तब अपने दोस्त गिल को होली के घर का एड्रेस भेजकर उसकी मदद करने के लिए बोलता है। इस बीच एलिसन को पता चलता है कि उसे होली के घर में एक कुर्सी से बंधा हुआ है। तब होली एलिसन को बताना शुरू करती है कि वो वास्तव में प्रेग्नेंट नहीं है और टाइलर से निराश होने के लिए उसने जानबूझकर उसे बरगलाया है। और कुछ ही समय बाद होली की माँ कोरिन घर आती है और एलिसन को बंधा हुआ देखती है और वो एलिसन को बचाने का कोशिश करती है, लेकिन होली उसके पीछे छिपाकर उसे एक प्लास्टिक बैग से उसका गला दबाकर मार देती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जब टाइलर होली के घर पहुंचता है तो सेफ्टी के लिए तेज लोहा लेकर अंदर जाता है। तब वो एलिसन को देखता है और उसके माथे पर खून से लथपथ है और वो बेहोश है और उसे हवा में छत से बांधा गया है। उसके बाद वो एलिसन को फ्री करता है और वे दोनों बाहर भाग जाते हैं। और यह ज्यादा दूर जाने से पहले ही होली ने अपना बंदूक की निशाना उनके ऊपर करती है। तब यह देखकर टाइलर ने होली को बोलता है अब तक जो कुछ भी किया है उसके लिए वो उससे माफी मांगता है। तब गिल पीछे से सही समय पर आता है, लेकिन यह होली को आश्चर्यचकित कर देता है। तब होली ने टाइलर को अचानक से उसके कंधे में गोली मार देती है। तब टाइलर जो मर रहा है अपने दिल में कहता है कि प्यार अंधा होता है और प्यार सब कुछ नष्ट भी कर सकता है, लेकिन वो दोनों फॉर्चुनेटली सर्वाइव होते हैं
और वो हैप्पी एंडिंग होता है और अंत में सारे टिफनी के बर्थडे की पार्टी मनाते हुए दिखते हैं। और अंत में होली जो अभी भी जिंदा है और एक एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं, और एक पैरामेडिकल आदमी से बोलती है कि मुझे कभी नहीं छोड़ने को है, और वो उससे वादा करता है, और यह मूवी खत्म होता है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।